हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम प्रतिशत से प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है, 160 का 30%, 200 का 20% से कितना ज्यादा है, अधिक है? ऑप्शन सामने है। ऐसे प्रश्न आप शॉर्टली ट्रिक से बनाइए। कभी कभी विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि इन प्रश्नों को x मानकर बनाते हैं या फिर y मानकर बनाते हैं या फिर रेशियो से बनाते हैं। अब आपको ऐसे प्रश्न जब दिखाई दे तो ना x मानकर बनाना है और न ही y मानकर बनाना है और न ही उसको रेशियो से बनाना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से बनाना है। देखिए, बहुत सिंपल है, 160 का 30%, 160 गुणे 30 एक तरफ लिख लीजिए, 200 का 20%, 200 गुणे 20 कटे तो कटा दीजिए 0-0 को, यहां से 0-0 कट, फिर इस 2 से 8 को कटा दीजिए, फिर 4 से इनको कटा दीजिए, 5 बार में 4 से इनको कटा दीजिए, 8 को 2 बार में, इस तरह 3 × 6 हुआ और एक साइड 5 हुआ। देखिए, दो अदर साइड में है, दूसरे साइड में 5 है जबकि पहला साइड में 6 है। इसका मतलब कि जो पहला साइड है दूसरे साइड से ज्यादा है। अब हमको पता करना है कितना प्रतिशत ज्यादा है। ऑप्शन प्रतिशत में है। देखिए, इसको पहले प्रतिशत में 100 होता है तो दो जो दूसरे तरफ है उसको 100 बनाइए। तो इसको 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100। इसमें 5 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत में 100 ही होता है। तो जब इधर 20 से गुणा किए तो इस साइड में भी 20 से गुणा कर लेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा 120। और आप देख लीजिए कि इस साइड से यानी 100 है तो ये 120 है, सिंप्लीफाई ये 20 ज्यादा है, 100 में ज्यादा है, अतः 20% अधिक है। इस तरह हमारा ये ऑप्शन बी सही है। आज इसी प्रश्न के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। इस तरह से ऐसा ही शॉर्टली ट्रिक पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल मैथ्सला को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर लें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।